चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। बेसिकली अगर तुम देखोगे तो इसमें क्या है मेरे भाई कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ओम। अगर एक वायर है, हमको नहीं पता इसकी लेंथ कितना, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, बट ये हमको जरूर पता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस इफ द वायर स्टे एन टाइम ओरिजिनल लेंथ, मतलब एन टाइम्स ओरिजिनल लेंथ। तो अब नए, ये नया वायर है, इसका लेंथ अगर एल था तो इसका लेंथ 5 L हो गया। ठीक है, न्यू लेंथ एल डैश। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर डैश। देखो ये 9th-10th का सवाल है, 9th-10th में भी ऐसे बच्चे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो तुम देखोगे अगर बेसिकली अगर आपको ट्रिक याद है, फार्मूला याद है ऐसे क्वेश्चन को करने को, तो एक लाइन में कर लो, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश की जो वैल्यू होती है, जितना टाइम्स लेंथ होता है और ओरिजिनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेंथ 5 टाइम्स बढ़ा तो 5 स्क्वायर और ओरिजिनल रेजिस्टेंस 5, मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब 125 ओम नया रेजिस्टेंस होगा। मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। अगर आपको ये इतना नहीं आ रहा है, ठीक है, दिस इज द मेथड फर्स्ट। तो अगर आप इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, फार्मूला याद नहीं है, तो आप नया रेजिस्टेंस रो एल अपान ए हो गया, तो ये क्या था, ओल्ड वाला था। न्यू रेजिस्टेंस आर डैश की वैल्यू होगी, रो चेंज नहीं होता है, एल चेंज हो गया, एरिया क्रॉस सेक्शन भी बदल गया होगा, तो रो नया लेंथ 5 टाइम्स एल है, तो नया एरिया क्रॉस सेक्शन हमें नहीं पता है। तो मास ऑफ द वायर फर्स्ट और मास ऑफ द सेकेंड बराबर, मास होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, तो डेंसिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से तुम मटेरियल एक ही है भाई, तो V2 और ये डेंसिटी तो खत्म हो गया। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, और एरिया क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड लेंथ एल डैश। ठीक है, तो यहाँ से ए और एल इनिशियली, और ए आ जाएगा ए डैश और लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 5 L, मतलब एरिया क्रॉस लेंथ 5 टाइम्स करोगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन उतना टाइम्स कम हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला उठा के अगर मैं यहाँ रख दूँ तो नया रेजिस्टेंस आर डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रो 5 टाइम्स L, और ए डैश की वैल्यू आ जाएगी ए अपन 5। ठीक है, तो यहाँ से तुम देखोगे तो यह आ जाएगा 25 रो L अपन A, और ये तो पुराना ही रेजिस्टेंस है इसकी, और इसकी वैल्यू दी हुई थी कितना था, 5, तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब 125 ओम, दैट इज द फाइनल सोल्यूशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।